नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809906089752384455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बेहद स्वागत है। आरओआरओ एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पर्यावरण एवं विकास पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन रियो डी जनेरियो में किस वर्ष में किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट और इन सब मुद्दों से संबंधित, जिसको आप रियो डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है, या एजेंडा 21 भी कई बार आपको मिलेगा, ठीक। तो ये सब आउटकम्स हैं किसके, जो हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ रियो डी जनेरियो में, जो यहाँ पे कहा जा रहा था, ये जून 1992 में, ठीक, ब्राज़ील के अंदर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वेंकटेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए। यहाँ पे वेंकटेश्वर ये टेंपल जो है चित्तूर जिला है शायद, वहाँ पे स्थित है और इसे सात पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर आंध्र प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है। तो ये है जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिमचलम पहाड़ियां जो है, ठीक, आंध्र प्रदेश में यहाँ स्थित है और भगवान विष्णु के जो ये अवतार है ना, वराह नरसिंह अवतार कह लीजिए, उनको ये समर्पित है, इस मतलब ये ध्यान रख सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा आप। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये है आपका गुजरात में, द्वारका में, ऑप्शन बी को चुनेंगे और कृष्ण भगवान को समर्पित है और मान्यता ये है कि लगभग करीब 2200 से ज़्यादा सालों से पुराना मंदिर है ये, ठीक। नेक्स्ट है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस शासक के शासनकाल में बना, ठीक है। तो मोढेरा जो है यहाँ गुजरात में सूर्य मंदिर ये बनवाया गया भीम प्रथम जो है ना, चालुक्य वंश के, ठीक, इनके शासनकाल में, विकल्प ए को चुनेंगे। लगभग टाइम पीरियड जो है 1026 से 27 ईस्वी के आसपास। नेक्स्ट है, हरा ग्रीव माधव मंदिर के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक। तो ये गलत सही वाला बड़ा ध्यान से देखा करिए, इसमें हरा ग्रीव मंदिर असम में स्थित है, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं मुनिकूट करके है ना नाम है, उस पर स्थित है ये, बिल्कुल ठीक है ये, ये नरसिंह रूप जो है इनको समर्पित है, ये भी ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है ये रघुदेव नारायण ने करवाया था, ये वाला भी ठीक है, अराउंड जो है 1580 के आसपास का टाइम है, 1580-83 के ऐसे आसपास, ठीक। और ये भी मान्यता है, ये भी ध्यान रखिएगा कि पाल वंश के राजाओं के द्वारा इसका निर्माण हुआ था, कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट भी इसी से संबंधित है, गलत इसमें कुछ भी नहीं है, डी विकल्प को चुनेंगे। फिर से कुछ मंदिर हैं और संबंधित स्थल के बारे में कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो शुरू के तीन तो ठीक हैं, महामाया मंदिर हम्पी लिखा है गलत हो जाएगा। महामाया मंदिर जो है ये लक्ष्मी और सरस्वती देवियों को समर्पित है, जो कि रतनपुर में है छत्तीसगढ़ में, ठीक। तो ये हमारा गलत हो जाएगा और ये बात करें लगभग 12वीं से 13वीं सदी के आसपास जो है इसका निर्माण हुआ था, उस समय का है। बाकी के तीन विकल्प ठीक हैं, संबंधित स्थल के नाम भी देख लीजिएगा। एक ये वाला बृहदेश्वर मंदिर के बारे में कई बार पूछा जाता है, फेमस है काफ़ी, तो तंजौर में स्थित है, इसका निर्माण जो है किस शासक के द्वारा करवाया गया ये पूछ रहे हैं। तो लगभग 1010 ईस्वी के आसपास राजराज प्रथम के द्वारा, ठीक है, शिव को समर्पित है ये मंदिर। अब देखिए, एक ये इंडिया से बाहर मंदिर स्थित है अंकोर वाट, है ना, किस देश में स्थित है। तो ये है कंबोडिया में, विकल्प हम बी को चुनेंगे। इसके अलावा जैसे इंडोनेशिया में भी बात करें हम, एक मंदिर स्थित है ना, इनके बारे में कई बार आपसे पूछा जाता है, तो प्रमंबन मंदिर करके है इंडोनेशिया में। नेपाल में काफ़ी फेमस है पशुपतिनाथ का मंदिर, ठीक है। पाकिस्तान की बात करें तो जैसे पाकिस्तान में एक कटास राज मंदिर है, ठीक है। इसमें मुल्तान में देखेंगे तो आदित्य सूर्य मंदिर है, ठीक, इनके बारे में भी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ युग्म दे रखे हैं, हमारे कुछ खाने वाली वस्तुएं हैं और उसमें
कुछ ऐसा कह लीजिए टेस्ट में जो भिन्न होती हैं चीज़ें, है ना, नॉर्मल फल से, वो लिखा है, और किस वाड़क के कारण ऐसा होता है वो लिखा है। ठीक, तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो शुरू के तीन ठीक हैं, इनको देख लीजिए। पपीते का पीला रंग जो होता है वो कैरिक्सैंथिन होता है, उसकी वजह से होता है। सोलेनिन गलत लिखा हुआ है। सोलेनिन की बात करें तो जो आलू, जैसे अभी आलू का सीजन चल रहा है ना, तो अभी जब नई आलू जब निकल रही है तो उसका जो ग्रीन कलर होता है ना, वो होता है ग्रीन कलर, सोलेनिन के कारण हो जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। डी विकल्प गलत है। बाकी के ऊपर के तीन ठीक हैं, इनको देख लीजिए। अब फिर से देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें गलत हो जाएगा, प्याज में जो गंध मतलब स्मेल एक होता है, ठीक है, वो एंथोसाइनिन की वजह से नहीं होता है। एंथोसाइनिन को हम एसोसिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ गाजर का नारंगी रंग के लिए लिखा है कैरेटीन, तो वैसे ही एंथोसाइनिन से जो है उसका गाजर जो लाल रंग की होती है ना, रेड वाली, वो होता है, उसको हम एसोसिएट कर सकते हैं। अगर बात करें प्याज में जो ये गंध होती है, तो ये इथाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड बोलते हैं, ठीक है, उसकी वजह से होता है। बाकी के और विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। नेक्स्ट है, देखिए इसमें से किसका प्रमुख कार्य अनुवंशिक रूप से छोटे पौधे को बड़ा करना है। ठीक, तो बेसिकली एक प्लांट हार्मोन है, ये जिब्रेलिन, बी विकल्प जो है ये करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इसका वर्क होता है जैसे जो मतलब कह लीजिए जो प्लांट की ग्रोथ है ना, लंबाई के मामले मान लीजिए, तो उसमें हेल्प करता है ये। फ्लावर्स जो होते हैं उसके उसके डेवलपमेंट में काम करता है। फ्लावरिंग टाइम जो है ना, कब पुष्प खिलेगा, उसके डेवलपमेंट में ये जो है यूजफुल होता है। इसके अलावा जैसे जर्मिनेशन के लेवल पे भी देखेंगे तो वहाँ पे भी ये जिब्रेलिन यूज होता है। ठीक, करेले की सब्जी आप सबने जहाँ तक है खाई होगी, तो उसमें कड़वाहट होता है ये सबको पता है। किस तत्व की या वजह से होता है ऐसा, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा डी विकल्प, है ना, मेमोडिकोसाइट, या फिर कई जगह आपको अगर ये लिखा मिले टेट्रासाइट्रिक ट्राइटरपाइन, है ना, तो इस रूप में भी जानते हैं इसको। बागों का नगर यानी कि सिटी ऑफ गार्डन्स उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है? तो कई सारे जो है एक अच्छे गार्डन्स और पार्क्स की अवेलेबिलिटी होने के कारण ये कहा जाता है लखनऊ कैपिटल जो हमारा है इसको। ठीक, विकल्प बी। अब देखिए इसमें निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है फलों को पकाने में काम आता है? ठीक है, तो जैसे अब आप फल देखते हैं ना, जैसे स्पेशली मैंगो यानी आम, बनाना, ठीक है, और तमाम तरीके के और जो फल हैं, तो उनको आर्टिफिशियली पकाने में हम देखेंगे। तो इसमें से जैसे एथिलीन को हम यूज़ करते हैं, एसिटिलीन को भी यूज़ करते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बाइड है, तो जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो कन्वर्ट होता है इसमें एसिटिलीन गैस में, है ना, इसको यूज़ करते हैं, है ना, और ये प्रोपाइलीन भी है, इसको भी यूज़ किया जाता है। तो तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे, डी विकल्प को चुनेंगे। नेक्स्ट है कि सिट्रस फलों में लगने वाली हानिकारक बीमारी ट्रिस्टेजा, ठीक है, तो इस बीमारी का नाम ध्यान दीजिएगा। तो ये इसका किसके जो है कारण होती है? तो कॉजिटिव एजेंट होता है इसमें वायरस, ठीक है, वायरस के कारण होती है ट्रिस्टेजा बीमारी। किसमें होती है? सिट्रस फ्रूट्स यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उनको सिट्रस इंग्लिश में कहते हैं ना आप, तो जैसे आपका ये संतरा वगैरह हो गया, नींबू, है ना, इस तरीके के जो फल हैं उसमें ये बीमारी होती है। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी है? ठीक है, तो इसमें देखेंगे जैसे फाइटर प्लेन्स वगैरह चलाने में स्पेशली अभी तक जैसे मेल ही ज़्यादा जो है होते थे, तो उसमें पहली जो है महिला लड़ाकू एविएटर कह लीजिए बनी है अभिलाषा बराक, ठीक है, हरियाणा रोहतक की रहने वाली है ये, तो ध्यान रखिएगा इसमें बी विकल्प जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, वह किस वाद्य यंत्र में पारंगत थे, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो फेमस प्लेयर थे ये जो है संतूर के, बी विकल्प को चुनेंगे। जम्मू से बिलोंग करते थे ये, अभी मई 2022 में मुंबई में इनका निधन हुआ, और भारत सरकार की तरफ से देखेंगे तो जैसे पद्मश्री और पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक, जून 2022 में भारत की यात्रा करने वाले मार्लेस किस देश के रक्षा मंत्री हैं? ठीक है, तो इनका ये दौरा रहा था जो है 20 जून के आसपास, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। ठीक है, डी विकल्प को चुनेंगे। आगे देखिए, पशुपालन द्वारा देश का पहला, थोड़ा स्टेटमेंट में गलत है इसमें,
पशुपालन के लिए जो है, पशुपालन के क्षेत्र में कह लीजिए, जो देश का पहला पूर्ण रूप से सौर संचालित डेयरी संयंत्र अभी हाल ही में आधारशिला रखी गई थी, नाम है इसका मिल्मा डेयरी संयंत्र। ठीक है, तो ये आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा संचालित डेयरी संयंत्र बनाने के उद्देश्य से, ये जुलाई 2022 की न्यूज़ ये भी है, केरला में इसको जो है वो किया गया था शिलान्यास, उसमें एर्नाकुलम एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कुल कितने जनपदों से होकर के गुजरता है? तो आपको याद होगा कि जुलाई डेट भी याद रख सकते हैं आप, हालांकि याद रखनी ज़रूरी भी है, 16 जुलाई 2022, ठीक। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया और ये 7 जिलों से कुल होकर के जाता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और जो है अब नॉर्थ एंड की बात करें तो इटावा से होकर के जो है इधर चित्रकूट तक में आपके जो है इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, इसके अलावा महोबा, बांदा और चित्रकूट, ठीक है, ये 7 जिले हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कुल 296.70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चिल्का झील से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें गलत है बी विकल्प, लिखा है मीठे पानी की वृहत्तम लैगून झील है, यही गलत है। ठीक है, ब्रैकिश वाटर जो होता है खारा जल, उसकी सबसे बड़ी लेक है ये। ठीक, मीठे पानी की सबसे जो फ्रेश वाटर की लेक है कौन सी, जरा कमेंट करके बताइए। तो अब पुलिकट लेक के बारे में पूछ रहे हैं आपसे कि किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे है। ठीक, वेमनाद लेक के बारे में कौन सा कथन गलत है, फिर से पूछ रहे हैं आपसे एक लेक के बारे में ही क्वेश्चन, तो केरल में है, ठीक है, वेलिंगटन द्वीप यहाँ स्थित है इस पे, ये भी ठीक है, और खारे पानी की झील है, ये भी ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा जो है केरल में ही यहाँ पे नेशनल लेवल की जो ये बोटिंग होती है ना, प्रतियोगिताएँ नौका से संबंधित, उनका आयोजन होता है। ठीक है, ये सब संबंध है आपका जो है वेमनाद लेक से, तो गलत कुछ नहीं है, डी विकल्प को चुनेंगे। अब कौन सा पेयर गलत है फिर से देखना है, कुछ लेक्स लिखी हैं और संबंधित राज्य के बारे में लिखा है, तो भीमताल गलत हो जाएगा। भीमताल इसमें उत्तराखंड में देखेंगे, जो कुमाऊं का रीजन है आपका, यहाँ स्थित है और ये फ्रेश वाटर लेक है, इसको भी ध्यान रखें, बाकी के विकल्प ठीक है, इन्हें आप देख लीजिए। फिर से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, तो इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन ए ही, है ना, चेंब मक्रम जो ये जो लेक है तमिलनाडु है ये, बाकी के जो विकल्प यहाँ बचे हुए होते हैं इनको पढ़ लिया करिए प्लीज़। ठीक है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है और यही आगे चल करके आपसे एग्जाम्स में जब किसी अलग रूप में या इधर उधर करके पूछे जाते हैं तो फिर आप परेशान होते हैं कि कहाँ से पूछ लिया गया। ठीक, तो इन चीज़ों को प्लीज़ देखते चलिए। अब फिर से इसमें कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, तो इसमें लोनार लेक जो है ये सी विकल्प में, गोवा में नहीं महाराष्ट्र में है। ठीक है, जो कि एक मेटेराइट फॉल से बनी हुई लेक है। इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपको ऊपर मिल ही गया है, लोनार लेक के बारे में स्टेटमेंट लिखा है। अब निम्न में से कौन सा कथन सही है, दो स्टेटमेंट है, देखिए, भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, जितने भी मेजर आप वाटरफॉल्स देखेंगे हमारे साउथर्न इंडिया के रीजन्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि चौड़ाई की दृष्टि से अगर आप देखिए तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कुंचिकल है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। गलत क्यों है बताते हैं आपको, चौड़ाई की दृष्टि से अगर आप देखेंगे सभी में तो जोग जलप्रपात जो है ना कर्नाटक में शरावती नदी पे, वो है सबसे विड्थ वाइज सबसे चौड़ा, तो सिर्फ कथन एक जो हमारा है ये ठीक है। अब इसमें देखिए कौन सा कथन सही है ये बताना है, तो दर्पण यानी कि जो हमारे मिरर्स होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन है। जिस गोली दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है, ठीक है, उभरी है मान लीजिए, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, तो ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ये उत्तल दर्पण जो है उसकी परिभाषा है, उसमें सतह आपकी उभरी होती है जिसका यूज आप जैसे कार वगैरह में पीछे के ट्रैफिक को, है ना, बाइक में जो शीशा होता है वो देखने के लिए करते हैं। ठीक, फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि जिस गोली दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है उसे क्या कहते हैं, तो वो ये वाला भी गलत है क्योंकि ये अवतल दर्पण की परिभाषा है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे आप ये सोलर कुकर वगैरह जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें यूज होता है ये। ठीक, तो ये दोनों ही इंटरचेंज थे, तो सही इसमें कुछ भी नहीं था। निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, तो बेसिकली
ये वाले जो होते हैं ना सोडियम परावर्तक लैंप, जो लिखा है सी ऑप्शन में, इसमें हम यूज करते हैं उत्तल दर्पण को। ठीक, क्या होता है ये कि जैसे आपने कभी ये मतलब स्ट्रीट्स पे सड़कों पे देखा होगा ना, लाइट्स लगी होती हैं फ्लड लाइट्स, तो उसमें जो बल्ब्स होते हैं ना पहले वो पीले वाले, ठीक है, अब तो खैर वाइट ही आपको दिखते होंगे, LED बेस्ड होते हैं वो, पर वो पहले जो होता था ये होता था सोडियम रिफ्लेक्टर, तो उसमें यूज करते थे हम कन्वेक्स मिरर को। देखिए GST भारत में लागू हुआ था 2017 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2017 से। तो उसी में पूछ रहे हैं कि कौन सा केंद्रीय कर जो है वो GST में शामिल है। तो हालांकि जो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सभी शामिल हैं GST में, परंतु जो केंद्रीय कर का इसमें है मतलब विकल्प, ये है सेंट्रल एक्साइज। ठीक, बाकी के सब जो है राज्य टैक्सेस, जो स्टेट टैक्सेस होते हैं उसके उदाहरण हैं। सेंट्रल एक्साइज के अलावा जैसे सर्विस टैक्स और सेस वगैरह जो लगता है, तो ये सब कैटेगरी जो होती है वो सेंट्रल टैक्सेस के अंतर्गत आती है। 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट जो 2019 में आई थी, ठीक है, तो इसमें से दिए हुए ऑप्शंस में से किसकी जनसंख्या घटी है इसमें। ठीक, तो पहले यह ध्यान रखेंगे कि जो एनिमल सेंसस की रिपोर्ट आती है पशुधन गणना की, 20वां संस्करण आया है 2019 में, और लगभग जो है 5 वर्षों में ये जनगणना की जाती है पशुओं की। ठीक, तो पिछली मतलब 19वीं से 20वीं की जो है अगर हम प्रोसेस में देखेंगे तो जनसंख्या इनमें से घटी है जो ये मेल गोट्स है ना इनकी, बाकी बफेलो शीप और गोट की संख्या बढ़ी है। डिटेल में थोड़ा इस रिपोर्ट के जो फैक्ट्स हैं प्लीज़ उसको पढ़ लें आप। अगला है लाडली लक्ष्मी योजना का जो सेकंड फेज है किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो लाडली लक्ष्मी योजना पहली बार चलाई गई थी वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश में, अभी हाल ही में मई 2022 के आसपास इसका सेकंड फेज जो है इसको स्टार्ट किया गया है। ए विकल्प को चुनेंगे, और इसका ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो महिलाओं या स्पेशली महिला नहीं लड़कियों का कह लीजिए कि उनके जन्म से लेकर के उनके विवाह तक उनको कई मतलब इंस्टॉलमेंट्स में फाइनेंशियल हेल्प जो है इस योजना के माध्यम से दी जाती है। अगला है सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना, ठीक है, फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम जो है किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो इसको शुरू किया है तमिलनाडु की सरकार ने। विकल्प चुनेंगे हम डी वाला, जैसे मिड डे मील की स्कीम चलती है दोपहर में खाना जिसमें मिलता है, तो उसी के क्रम में यहाँ पे महाराष्ट्र में सरकार ने अनाउंस किया था इस स्कीम को, और ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा जो मिड डे मील तो मिल ही रहा है, उसके अलावा ब्रेकफास्ट जो मॉर्निंग का है वो भी देंगे ये। इसमें फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको इस योजना में लाभान्वित किया जाएगा। ई अधिगम योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने कितने छात्रों को गैजेट उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। ठीक, तो ऑनलाइन शिक्षा में हेल्प करने के उद्देश्य से बच्चों को ई अधिगम योजना चलाई थी हरियाणा सरकार ने। इसके अंतर्गत 5 लाख बच्चों को जो है यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दिए जाएंगे, जिसमें टैबलेट और फ़ोन जो है इन सबको आप संबंध कर सकते हैं। कौन सा देश जुलाई 2022 में प्रेषित धन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। ठीक है, तो जो रेमिटेंसेस भेजे जाते हैं इंडिया में, बाहर जो हमारे देश के लोग कार्य कर रहे हैं तो अपनी फैमिलीज को है ना पैसा सब भेजते हैं ना वो लोग जो है एक रेगुलर इंटरवल्स पे, तो ऐसे मामलों में देखा जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा पैसा भेजा जाता है भारत के लोगों के द्वारा। ठीक, तो जुलाई 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार से लार्जेस्ट रिसिपियंट है रेमिटेंसेस का इंडिया। नेक्स्ट है कि डुगोंग के संरक्षण के लिए पहला डुगोंग संरक्षण जो रिजर्व है वो कहाँ बनाया जाएगा। तो हमने शायद पहले आपको बताया था कि डुगोंग किसी जो राज्य का स्टेट एनिमल है या UT का है, ये जरा हमको कमेंट करके बताइए ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। ठीक, और अभी इसको अनाउंस किया गया इनके संरक्षण के लिए कंजर्वेशन जो रिजर्व बनाया जाएगा ये पाक स्ट्रेट जो है हमारा वहाँ पे। ठीक, जुलाई 2022 में किस देश में लगभग एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला सामने आया। ठीक है, तो लगभग 10 साल पहले ही अमेरिका को डिक्लेयर किया गया था पोलियो फ्री, लेकिन अभी जो है रिसेंटली एक केस देखा गया है वहाँ पे, तो उस वजह से चर्चा में रहा था, तो ध्यान रखिएगा इसको। जुलाई 2022 में डेनमार्क की कंपनी बेस लाइफ साइंस, ठीक है, इसका अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है। तो डेनमार्क की कंपनी है ये ध्यान रखिएगा, और इसमें जो भारतीय ये IT कंपनी है इन्फोसिस, इन्होंने इसका अधिग्रहण किया है।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रकाश के बारे में जो है स्टेटमेंट है, प्रकाश को हम रूपांतरित माध्यम में ही देख सकते हैं। इसको इस तरीके समझिए कि प्रकाश यानी कि जो लाइट है क्या है, एक तरीके की एनर्जी होती है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है, जो तो किसी वस्तु से टकरा करके ही जो जब परावर्तित होती है तब वो हमारे आंखों तक एक प्रकार से पहुंचती है, जिससे हमको उस वस्तु को मतलब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में है ये स्टेटमेंट कि हम उसको रूपांतरित माध्यम में ही तो देख पा रहे हैं, तो ये कथन हमारा ठीक है। दूसरा है कि जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो उसको पहुंचने में जब किसी मॉर्निंग में जैसे अब सनराइज हुआ तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब प्रकाश आ रहा है तो माना जाता है कि सूर्य से और उस पर्टिकुलर प्लेस तक लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। तो दोनों कथन हमारे ठीक हो जाएंगे। इसमें देखिए कौन सा कथन गलत है, तो हम गलत वाला देख लेते हैं। ध्वनि तरंगें निर्वात से होकर के गुजर सकती हैं, ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? आपको पता होना चाहिए कि साउंड वेव्स जो होती हैं उसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम यानी कि माध्यम की जरूरत होती है। तो अब वैक्यूम प्लेस ऐसा है कि वहाँ कुछ है ही नहीं, एटमॉस्फेयर ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे आप चांद पे जा करके ब्लास्ट करिए कोई तो आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी। ठीक है, क्योंकि मीडियम नहीं है ना आपके पास कोई, तो उसी से इसको आप समझ सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। बाकी के तीन विकल्प ठीक है, इनको देख लें आप। अब कौन सा कथन सही है? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और अगला स्टेटमेंट भी उसी से संबंधित है, समतल दर्पण से, कि इसका जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी और सीधा होगा। ठीक, तो दोनों कथन हमारे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे किसके, जो प्लेन मिरर होता है उसके, तो देख लीजिए इसे। अब देखिए, भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो कौन सा है? तो अभी हमने ऊपर वो चौड़ाई की दृष्टि से देखा था। ठीक है, अगर हम बाई वॉल्यूम देखें तो जो कर्नाटक में ये है ना शिव समुद्रम, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। इसमें देखिए कौन सा कथन गलत है? तो भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है, बिल्कुल ठीक है। लेह जो है लद्दाख में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, ये कथन भी ठीक है। जैसलमेर राजस्थान में ये ड्राइएस्ट प्लेस है ना, यानी कि शुष्क स्थल है, ये भी ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो तीनों ही ठीक है, इसमें गलत जो है कुछ नहीं है, डी विकल्प को हम चुनेंगे। ठीक, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चंस देख लीजिए सारे, रेलेवेंट जितने भी फैक्ट हैं प्लीज़ उसको आप पढ़ लीजिए अपने नोट्स वगैरह में से। हम इसको कंटिन्यू करते हुए आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।